पाकिस्तान से आने वाले टिड्डी दल ने पूरे बाड़मेर जिले को अपनी चपेट में ले लिया है। जहां टिड्डी दल पहुंचता है वहां किसानों की खड़ी फसल चौपट कर देता है। कल शाम को पहुंचे समुद्री क्षेत्र में टिड्डी दल ने चारों तरफ त्राही त्राही मचा दी। कल रात से ही ग्रामीण टिड्डी दल को भगाने के लिए देसी जुगाड़, ढोल थाली एवं धुएं के जरिए टिड्डी दल को भगाने की कोशिश में लग गए हैं। वहीं सूचना मिलने पर तहसीलदार राकेश जैन, उपखंड अधिकारी प्रमोद सीरवी मौके पर पहुंचे एवं टिड्डी नियंत्रण की टीमों ने अलग अलग जगह छिड़काव के जरिए टिड्डी दल भगाने को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूर्णतया से नियंत्रण नहीं हो पाया है। वहीं पूर्ण व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों में काफी रोष है। जो ग्रामीण क्षेत्र में हमला हुआ था उसको लेकर प्रशासन के क्या इंतजाम रहे हैं और उससे ग्रामीण खुश है किसान या नहीं है? किसान तो क्या खुश है, किसान तो बर्बाद हो गए। बोरिया बिस्तर बांध के घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह 5 बजे प्रशासन यहाँ आए थे, वो सब अपने अपने वीडियो बनवाते हैं, वो करते हैं दवाई स्प्रे से। कोई प्राइवेट लोगों ने, काश्तकारों ने अपने व्हीकल लेके प्राइवेट ऊंट की व्यवस्था पे उन्होंने स्प्रे किया है। उन्होंने की मदद कहाँ है आपके? वो फाइव ब्रिगेड वगैरह वो जो कोई गाड़ियाँ है प्रशासन की गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ कहाँ है? वो तो गाड़ियाँ नहीं दिख रही, जमीन लग रही है। तभी तो 3-4 महीने से कंट्रोल नहीं हुआ है। अगर कंट्रोल हो जाता तो ये नुकसान ही नहीं होता ना काश्तकारों का। कल प्रशासन को जब ये सूचना मिली कि समुद्री क्षेत्र में टिड्डी दल का प्रवेश हो चुका है, उसके बाद में पूरे प्रशासन को और कृषि विभाग को अलर्ट किया गया और रात्रि को इसकी पूरी प्लानिंग करके और सुबह हम लोगों ने 8 से 10 ट्रैक्टर्स वगैरह एक्वायर करके और उनका विस्तृत तौर पे स्प्रे कराया गया। एक फायर ब्रिगेड का अरेंजमेंट भी बालोतरा नगर परिषद की ओर से करवाया गया था। तो पूरा प्रशासन, पूरे राजस्व टीम और कृषि विभाग इस समय फील्ड पे है, किसानों के साथ है और हमारा पूरा भरसक प्रयास रहेगा कि इस आपदा में जो है किसान को कम से कम नुकसान हो। कृषि विभाग की जो दवाई है वो इन्होंने अभी सेंट्रलाइज समदड़ी कर रखी है। अभी इनको निर्देश दे दिए गए हैं कि लोकली पटवार मंडल पे कर्मावास, कुंभावास और रानी देसीपुरा में जहाँ पे कि इसकी मार अधिक है वहाँ पे ये लोकली अवेलेबल करवाएं। तो ये घंटे 2 घंटे में ये लोग अरेंजमेंट करके इसको अवेलेबल करवा देंगे। इसका अगर समय रहते टिड्डी दल पर नियंत्रण नहीं हो पाया तो बरसों की मेहनत से खड़ी की गई फसल पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। वहीं अनाज की खेती सहित विभिन्न तरह की खड़ी फसलों को नुकसान का खतरा मनराता नजर आ रहा है। प्रशासन के ढीले रवैये और तुरंत कार्रवाई में नहीं आने के कारण किसानों में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है।